हेलो फ्रेंड्स। सो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी सब्जी जो कि आप लोगों ने शायद ही कभी ट्राई की होगी या इसके बारे में सोचा होगा। सो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक और बहुत ही अच्छी वेजिटेबल रेसिपी जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी होती है खाने के लिए, और जिसको मैं अपने घर में रेगुलर में बनाता भी हूँ और मेरे घर में भी सब लोग बहुत अच्छे से खाते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी भी बनती है और बहुत टेस्टी भी होती है, और सबसे अच्छी बात ये वेजिटेरियंस के लिए भी है। सो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं आज क्या बनाने जा रहा हूँ। सो दोस्तों, आज की जो रेसिपी है उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए एक लौकी, जिसको मैंने ऐसे दो सेक्शंस में काट लिया है। सो हम बनाने जा रहे हैं लौकी के छिलके। यस दोस्तों, सही सुना आपने, लौकी के छिलके, जो कि आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि लौकी के छिलके के साथ भी कुछ बन सकता है। आइए चलिए मैं आप लोगों को आज बना के दिखाता हूँ बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी लौकी के छिलके की। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने लौकी के छिलके की सब्जी बनाने के लिए। तो लौकी के छिलके की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए, जैसे मैंने बताया, लौकी। अब मैं इसको कट करने की रेसिपी बताता हूँ। सो हमें यूजुअली हम लोग इसको छील लेते हैं, लेकिन हमें लौकी के छिलके ऐसे कट करना है, और हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। हमें सिर्फ जो वाइट पार्ट होता है लौकी में, जैसे कि आप देख पा रहे हो वाइट पार्ट, यहाँ से हमें कट करना है। सो देखिए इस तरीके से इतनी विड्थ का मैंने लौकी का छिलका निकाल लिया, देख पा रहे होंगे। सो देखिए इसी तरीके से हमें चारों तरफ से इसको छिलके उतार लेना है। देख पा रहे हैं मैंने ऐसे काट लिया। इसी तरीके से मैं बची हुई लौकी का भी छिलके निकाल लेता हूँ। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से निकल जाती है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लौकी के छिलके काट लिए हैं इस तरीके से। अब मैं इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूंगा। देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में हमें कट करना है। छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने का रीज़न इसलिए है ताकि ये जल्दी पक जाए, क्योंकि हम बड़े टुकड़े डालेंगे तो खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा और पकने में भी टाइम लेगा। देख पा रहे हो ये बहुत ही फटाफट बनने वाली सब्जी है। कभी भी आप इमरजेंसी में हो, जल्दी बनाना हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो घर में लौकी सबके ही रहती है, तो आप लोग कभी भी किसी भी समय लौकी की सब्जी के छिलके की सब्जी बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाती है। और हमें इसके लिए कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए होते हैं, सिर्फ लौकी और लौकी के छिलके। एक दो स्लाइस अगर आपकी मोटी भी कट जाए तो भी चलेगा, कोई परेशानी घबराने की बात नहीं है, इससे टेस्ट नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा और सब कुछ पक भी जाएगा आसानी से, तो चिंता ना करें अगर किसी से पहली बार में मोटा कट जाता। जब आप इसको रेगुलर में बनाने लग जाएंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कैसे काटना है। देख पा रहे होंगे मैंने कितनी ही मिनटों में कितनी सारी लौकी के छिलके की सब्जी काट ली। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने अपनी लौकी के छिलके अच्छे से काट लिए हैं। अब मैं आपको बताने जाता हूँ इसकी बनाने की विधि।
सो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटा हुआ प्याज, जो कि आप देख सकते हैं मैंने काट लिया है, एक आलू, थोड़ी सी मटर। मटर मैंने अभी फ्रोज़न ली है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे, जानते ही हैं कि क्वारंटीन है, तो कहीं बाहर जाने को मिल नहीं रहा है, सो मटर भी नहीं मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको बनाने की विधि। इसके लिए हमें चढ़ाना है एक कढ़ाई, थोड़ा सा तेल। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे एक चुटकी ही हींग को। होने के बाद हम डालेंगे इसमें कटा हुआ प्याज। तो देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें कटा हुआ प्याज भी डाल दिया है। अब हमें इसे थोड़ा सा चला लेना है और आँच को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ताकि हमारा प्याज थोड़ा सा जल्दी पक जाए। चाहे तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, जिनको थोड़ा तीखा खाने का पसंद है। मैं यूजुअली नहीं डालता हूँ। हम वेट करेंगे कि हमारा प्याज हो जाए, उसके बाद हम डालेंगे हमारे आलू। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा प्याज गोल्डन फ्राई हो गया है। अब हमें इसकी गैस की आंच कम कर देना और हमें डालना है आलू। आलू डाल देंगे हम, चला देंगे थोड़ा सा। आलू के साथ ही हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से एक बार चला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारी हरी मटर। हरी मटर चाहे तो एंड में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो अभी मैंने हल्दी और मिर्ची डाली है, उसका फ्लेवर भी हमारी हरी मटर में आ जाए, इसलिए मैंने हरी मटर को पहले डाला है। देख पा रहे हो कितना प्यारा कलर आ गया है। इसको एक आध मिनट चलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा कटा हुआ लौकी के छिलके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने लौकी के छिलके भी इसमें डाल दिए हैं और अब मैं इसको चला लेता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है सब्जी का। मटर, आलू और इनके कलर कितने अच्छे दिख रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। ये मैंने डाल दिया नमक। और नमक डालने के बाद जो हम चला लेंगे, याद रखें गैस हमारी धीमी रहेगी, गैस की आँच हमें नहीं बढ़ाना है, वरना सब्जी हमारी नीचे लग जाएगी। अच्छे से चला देना है। और अब हमें इसे एक छोटी आकार की प्लेट के साथ से ढक देना है। इस तरीके से हमें ढक देना है और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है धीमी आंच पे, ताकि अच्छे से पक जाए और हमारे आलू और सब्जी पूरा फ्लेवर ले लें। तो चलिए वेट करते हैं हम अपनी सब्जी को पकने का। तो चलिए दोस्तों 10-15 मिनट हो गए हैं और अब मैं अपनी सब्जी देखता हूँ कि क्या हुआ है सब्जी के साथ, पक गई है क्या। आई होप पक गई होगी। तो हम प्लेट हटाते हैं। वाह, आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बहुत अच्छी हो गई, थोड़ी सी नीचे लग गई है, लेकिन बिल्कुल भी घबराए ना। नीचे लगना से इसका टेस्ट और बढ़ेगा, ना कि आप ये सोचें कि सब्जी मेरी जल गई है या मेरी सब्जी ख़राब हो गई है। तो बिल्कुल ना सोचें इस तरीके की बात, और सब्जी को अच्छे से चला दें और चेक कर लें कि हमारे आलू भी गल गए हैं। देख सकते हैं आलू पूरा अच्छे से गल गया है। और एक बार लौकी का कोई भी छिलका उठा के प्रेस करके देख लें, आराम से कट रहा है, देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं, गरम मसाला अगर नहीं है घर में तो। और गरम मसाला डाल के थोड़ा सा चला दें। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी होती है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये ना सोचें कि लौकी के छिलके हैं, कैसे टेस्ट करेंगे, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही साथ गैस बंद कर दें, क्योंकि सब्जी हमारी पक चुकी है, तो हमें और पकाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं इसको अपने इस कढ़ाई से निकाल लेता हूँ।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरी लौकी के छिलके की सब्जी तैयार हो गई है। कुछ लोग इसमें थोड़ा सा नींबू भी डालते हैं ऊपर से, लेकिन अभी थैंक्स टू लॉकडाउन मेरे पास नींबू अवेलेबल नहीं है, तो आप चाहे तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दूंगा। आप तो देख सकते हैं धनिया डालने के बाद कितना अच्छा कलर आ गया है। और इसको गरम गरम पराठों के साथ खाएं या घी लगी रोटियों के साथ खाएं, और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में एक दाल फ्राई की रेसिपी बताई थी उसके साथ भी आप खाएं। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो मेरे साथ फीडबैक शेयर करें कमेंट सेक्शन में। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपना सपोर्ट दें। थैंक यू।